और चलिए खबरों की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से यातायात के भार को कम करने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण की पुष्ता रोड पर एक और एक्सप्रेसवे बनाने की योजना सिरे चढ़ते नजर आ रही है। ये एक्सप्रेसवे सेक्टर 128 से सेक्टर 168 तक 11 किलोमीटर के पुष्ता रोड की कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे से की जाएगी। हालांकि अभी तक इसके काम को अधर में ही छोड़ दिया गया। सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है और सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दुर्घटनाओं को अपनी दावत दे रहे हैं। हाईटेक शहर नोएडा को ऊंची इमारतें और चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता है। विकास की तमाम गाथाएं नोएडा को जोड़कर कही जाती हैं, लेकिन नोएडा का एक 11 किलोमीटर का ऐसा रोड है जो बदहाली के आंसू पिछले कई साल से बहा रहा है। इस रोड की सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाएं, पुष्ता रोड है और इस पर तकरीबन 5 फीट गहरे गड्ढे हैं। यहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम इसी तरीके के अलग अलग जगहों पर फुटपाथ पर गड्ढे हैं। ये रोड सेक्टर 128 से सेक्टर 150 तक जोड़ता है, लेकिन इस रोड को बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के बीच में फाइलों का आदान प्रदान ही पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। इसके निर्माण का जो पैसा है वो नोएडा प्राधिकरण को देना है, जबकि निर्माण कार्य सिंचाई विभाग को करना है। ऐसे दोनों विभागों के बीच में फंसे हुए इस रोड को अब NHAI को देने की कवायद चल रही है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है कि इस बार हाईवे बनाया जाए, ताकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाने वाले रोजाना 10 लाख वाहनों का दबाव कम किया जा सके और ग्रेटर नोएडा में बनने वाले एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी इस रोड की दी जाए। इसमें 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान जताया है। अब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और NHAI के अधिकारी सर्वे करने के बाद इस रोड का निर्माण करेंगे। पहले दौर की बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी इस रोड की अगर हालातों की बात की जाए तो यहां पर बद से बदतर हालात हैं। रोजाना इस रोड पर तकरीबन हजारों गाड़ियां निकलती हैं। जो भी रोड लोग जाम से बचना चाहते हैं वो पुष्ता रोड यमुना किनारे होते हुए ज्यादातर चले जाते हैं। स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है। अब इन दोनों विभागों के बीच में जहां ये रोड फंसा हुआ है, अभी तक इसके निर्माण को लेकर दोनों विभाग फाइनल नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण होगा। तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से पुष्ते रोड का निर्माण होना था। फिलहाल अब देखना होगा NHAI और नोएडा प्राधिकरण मिलकर इस रोड को कब तक बना पाते हैं, ताकि एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर होने वाले वाहनों के दबाव को कम किया जा सके। आगे भी इस रोड की तस्वीर दिखाएंगे और किस तरीके के हालात नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहते हैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। चमचमाते नोएडा की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर एक रोड पिछले 2 साल से लगातार बदहाली के आंसू बाहर आए और इस रोड पर सफर करना अपने आप को खतरे में डालने जैसा है। इस रोड की तस्वीर मैं दिखाऊं, सेक्टर 126 पर आप देखेंगे यहां ये पुष्ता रोड है और पुष्ता रोड पर सेक्टर 126 के पास ये गड्ढा देखिए, पूरी तरीके से जानलेवा गड्ढा है। अगर रात के अंधेरे में या बरसात के समय में कोई गाड़ी का टायर इस गड्ढे में चला जाएगा तो जानलेवा ये गड्ढा साबित हो सकता है। पिछले कई साल से लगातार सिंचाई विभाग और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण को इस रोड को बनाने का पैसा देना है, जबकि निर्माण कार्य जो है वो सिंचाई विभाग को करना है। ऐसे में इस रोड को लेकर अब एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि देवर एयरपोर्ट के निर्माण से पहले इस रोड को NHAI के साथ मिलकर नोएडा प्राधिकरण ने बनाने का कवायद शुरू की है। इस रोड का सर्वे किया जाएगा। दूर तक आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं इस रोड से रोजाना 50,000 से जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन होता है, लिहाजा नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए इस रोड को सेक्टर 126 से सीधे 150 होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर जोड़ने की कवायद है, ताकि एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को जाम का सामना न करना पड़े। एयरपोर्ट का संचालन होने के बाद जो वाहनों की संख्या है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर और ज्यादा बढ़ जाएगी, जाम की स्थिति और ज्यादा होगी। लिहाजा नोएडा प्राधिकरण और NHAI अब ज्वाइंट वेंचर में इस रोड को बनाने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक पैसा प्राधिकरण और NHAI मिलकर खर्च करेगा। तकरीबन 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस रोड पर आने का अनुमान जताया जा रहा है। इस रोड की और भी तस्वीर दिखाएंगे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत दिसंबर में करने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की जाए
तो नॉर्मल दिनों में जाम की स्थिति बनी रहती है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, इस एक्सप्रेसवे से रोजाना 10 लाख से ज्यादा वाहन निकलते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट शुरू होने के बाद जाम की स्थिति ना बने उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण और NHAI ने पुस्ता रोड को अब एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सर्वे शुरू किया गया है ताकि आधा ट्रैफिक सीधा पुस्ता रोड पर डाल दिया जाए। एक्सप्रेसवे बनाकर NHAI के अंडर में उसको दिया जाना है। सेक्टर 126 से सेक्टर 150 होते हुए इस एक्सप्रेसवे को, जो नया एक्सप्रेसवे बनाना है, उसको जीरो पॉइंट पर यानी यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा ताकि जेवर एयरपोर्ट आने और जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिल पाए। फिलहाल वाहनों के दबाव के चलते सुबह और शाम के वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस नए एक्सप्रेसवे को बनाने का काम कब तक शुरू हो पाता है। इसकी लागत 3000 से 4000 करोड़ तक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।